राहुल गांधी की कश्मीर में लाल चौक में झंडा फहराने की तब हिम्मत नहीं हो पाई जब वहां पर धारा 370 लगी थी। यह तो मोदी जी का कमाल है, वहां पर लगी धारा 370 को तोड़ दिया जिससे तुम वहां पर झंडा फहरा पाए। यह कहना है अलवर सांसद बाबा बालकनाथ योगी का। सांसद सोमवार को अलवर जिले की रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। इस दौरान एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कांग्रेस पर हल्ला बोला। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कांग्रेस में सनातन का डीएनए ही नहीं है, इनमें अंग्रेजों का डीएनए है। राजस्थान में सरकार झूठे वादे करके सत्ता में आई, ये कभी भारत का भला नहीं सोच सकते। मैं तो कल हंस रहा था देख के लाल चौक पर तिरंगा फैला रहे। अरे लाल चौक पर तुम्हारी जब हिम्मत नहीं हुई, जब जम्मू कश्मीर में 370 लगे थी तब फहरा के दिखाते ना वहां पर। ये तो मोदी जी का कमाल है कि धारा 370 तोड़ दी और आज तुम लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे। अलवर सांसद महंत बालकनाथ सोमवार को रामगढ़ क्षेत्र के दौरे के दौरान कई ग्राम पंचायतों में पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र में विकास कार्यों के लिए 61 लाख रुपए देने की भी घोषणा की। इस दौरान उन्होंने तिलवाड़, ईदपुर, नसवारी, खेड़ा महमूद, बड़बरा, भैंसड़ावत, मूनपुरी, बीदुका, फाहरी व रामबास ग्राम पंचायतों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याओं को भी सुना। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा पेपर लीक कर रिकॉर्ड तोड़ने वाली सरकार अब ज्यादा दिन की नहीं है। साथ ही उन्होंने राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर राहुल गांधी द्वारा कश्मीर में लाल चौक पर झंडा फहराने पर कहा हिम्मत होती तो जब कश्मीर में धारा 370 लगी थी तब झंडा फहराकर दिखाते। मोदी जी ने कश्मीर से धारा 370 को तोड़ा तभी यह संभव हो पाया। कांग्रेस ने हमेशा देश तोड़ने का काम किया है, यह सब दिखावा है। कांग्रेस में सनातन का डीएनए नहीं है, इनमें अंग्रेजों का डीएनए है। मैं तो कल हंस रहा था देख के लाल चौक पर तिरंगा फैला रहे। अरे लाल चौक पर तुम्हारी जब हिम्मत नहीं हुई, जब जम्मू कश्मीर में 370 लगी थी तब फहरा के दिखाते ना वहां पर। ये तो मोदी जी का कमाल है कि धारा 370 तोड़ दी और आज तुम लाल चौक पर जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहरा रहे। तुम लोगों ने तो महापुरुष निशान बनाने का काम किया था, तुमने वहां भारत के ध्वज को, भारत के तिरंगे को फहराने का सम्मान ही कहां किया। आज लोगों को ये दिखाने का तुम ढोंग कर रहे हो, तुमने झूठ बोलकर राजस्थान की जनता से सत्ता पर बैठे हो। इन लोगों को समझना होगा, देखना होगा, ये कांग्रेस के लोग हैं, इनमें सनातन डीएनए नहीं है इनके अंदर डीएनए मुगलों का, अंग्रेजों का है। ये भारत का कभी भला सोच ही नहीं सकते। ऐसे लोगों से हम सबको भी समझना होगा, देखना होगा। और कौन व्यक्ति ऐसा है जो भारत के लोगों का सम्मान करता है, भारत की भूमि को आगे बढ़ाता है, भारत के सम्मान को आगे बढ़ाता है और भारत के लोगों के लिए विकास, भारत के लोगों के लिए योजनाएं उनके घर घर तक पहुंचाता है, उस व्यक्ति के साथ हम सबको जुड़कर अपने भारत को आगे बढ़ाना होगा।